अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। आई एम आल्सो गुड, आई एम योर टीचर सेफ एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेफ। सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द लिटिल बिट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स दैट इन व्हिच क्लास इन व्हिच हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द कंप्यूटर इन मेनी क्लासिफिकेशन। सो वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द थ्री मेन पर्पस of the computer, and in this video we are going to start a new video. In this video we will know little bit about the digital computers, that what are the mean by digital computer. But अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं टेक्निकल सेफ पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी कोई बेनिफिट मिल सके आपसे। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को, दैट वाट आर द डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या हैं? डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स फिजिकल क्वांटिटी। अब डिजिटल कंप्यूटर जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स और नंबर्स। किसकी मदद से? नंबर एंड डिजिट्स की नंबर से, ठीक है। ये है हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स। दीज नंबर्स आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। वो जो नंबर हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं वो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, एंड आल्सो मेक लॉजिकल डिसीजंस टू रीच अ कैलकुलेशन, ठीक है। और जो इनकी जो कैलकुलेशन होती है वो मतलब कि लॉजिकल डिसीजन मेकिंग करती है फॉर द प्रॉब्लम, गिवन प्रॉब्लम, डिपेंडिंग ऑन द डेटा द रिसीव फ्रॉम यूज़र, ठीक है। और वो ज़्यादातर डिपेंड उसी पे करता है जो कि डेटा उनको मिली होती है यूज़र की तरफ से, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या थे या क्या हैं? वेरियस स्पेसिफिकली डिजाइंड कंप्यूटर आर विथ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग करेक्टरिस्टिक्स, कंबाइनिंग द एडवांटेजेस ऑफ एनालॉग एंड द डिजिटल कंप्यूटर व्हेन वर्किंग एज अ सिस्टम। हाइब्रिड कंप्यूटर आर बींग यूज एक्सटेंसिवली इन प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली हाइब्रिड कंप्यूटर क्यों यूज़ किए जाते हैं, किस फील्ड में यूज़ किए जाते हैं? वो जो कि प्रोसेस या सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेयर इट इज़ नेसेसरी टू हैव द क्लोज रिप्रेजेंट विद द फिजिकल वर्ल्ड, द हाइब्रिड सिस्टम प्रोवाइड्स द गुड प्रिसिशन दैट कैन बी अटेंड विद एनालॉग कंप्यूटर्स एंड द ग्रेटर कंट्रोल दैट इज पॉसिबल विद द डिजिटल कंप्यूटर्स, प्लस द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनपुट डेटा एंड देयर आइदर फॉर्म, ठीक है। अब ये जो कि शेप दी हुई है फॉर द हाइब्रिड कंप्यूटर, आप इस शेप को देख के, इसके डिज़ाइन को देखते, इसके मैन्युफैक्चरिंग या इसकी डिज़ाइन को देख के आप इससे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बेसिकली हाइब्रिड कंप्यूटर क्या था, वो क्यों यूज़ किया जाता था, किस फील्ड में यूज़ किया जाता था। और उसके बाद मैं आपको प्रीवियस स्लाइड दिखाऊँ तो उसमें हमने डिस्कस किया है थोड़ा लिटिल बिट अबाउट द डिजिटल कंप्यूटर्स, के डिजिटल कंप्यूटर्स क्या थे। अगर आपको इन स्लाइड्स में से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली आप जब इस पिक्चर को फोकस से देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली 100% समझ में आ जाएगा कि बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर्स क्या थे, क्यों डिज़ाइन किए गए थे, कब डिज़ाइन किए गए, या किस काम के लिए वो डिज़ाइन किए गए थे, या उनको चेंज करके मॉडिफाई करके हाइब्रिड कंप्यूटर क्यों बनाया गया। और उससे पहले जो हमने डिस्कस किया कि एनालॉग कंप्यूटर क्या थे, ठीक है, वो भी हमने समझ लिया। उसके बाद हाइब्रिड एंड डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो सुपर कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर के हवाले से थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करें हमारे चैनल टेक्निकल सेफ को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर।